मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा जिले की समीक्षा बैठक की। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रीवा जिले के अधिकारियों से जुड़े सरकारी योजनाओं में रिश्वत मांगने वालों पर सीएम सख्त दिखे। उन्होंने कहा, ऐसे बेईमानों को सेवा से पृथक करो, एफआईआर करो, जेल भेजो। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के रिश्तेदार और बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने ग्वालियर में समर्थकों से बंदूकें उठवाई। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, शान से बंदूक उठाओ, एक भी लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दूंगा। वे बुधवार को दशहरा मिलन समारोह में शामिल हुए थे। सरकारी नौकरी की वजह से युवा डिप्रेशन में सुसाइड कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बोले कि सरकारी नौकरी न मिलने की वजह से युवाओं की आत्महत्या करने जैसी घटनाएं सामने आती हैं। युवा पीढ़ी समझिए और स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े, ये बात उन्होंने SC/ST बिजनेस कॉन्क्लेव में कही थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में गए भले ही एक अरसा बीत गया हो, लेकिन वो अब भी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर रहते हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सिंधिया का नाम लिए बगैर उन्हें पनौती कहा है। प्रदेश में एक बार फिर RI नायब तहसीलदार बनेंगे, उन्हें फिर से प्रभार दिए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने प्रस्ताव भी बनाया है, जिसमें क्राइटेरिया भी फिक्स कर दिया गया है। वे नायब तहसीलदार नहीं बन सकेंगे।